ना मावा, ना मलाई, ना मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क और ना ही चाशनी बनाने का कोई झंझट। 5 मिनट में बिना गैस जलाए हलवाइयों जैसा मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होगी, जिसे आप 1 सप्ताह के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेखा फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भी फ्री में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 10 रुपया वाला 2 पैकेट मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है। इसे हम तोड़ के एक जार में डाल देंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी बिस्किट ले सकते हैं या फिर आपके पास घर में बची हुई बिस्किट है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरीगोल्ड बिस्किट कम मीठी होती है, इसलिए मैं इसमें मिठास के लिए 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आपने मीठा बिस्किट लिया है तो चीनी को आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने बिस्किट को एकदम बारीक पीस लिया है। इसमें बिस्किट के कोई भी टुकड़े नहीं हैं, इसलिए मैं इसे छान नहीं रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें बिस्किट के छोटे टुकड़े हैं तब आप इसे छान कर ही इस्तेमाल करें। 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल रहे हैं, इससे हमारी मिठाई सॉफ्ट बनेगी और इसमें एक अच्छा सा चमक भी आएगा। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच गरम दूध में मैंने थोड़े से केसर को भिगो के रख दिया था, इससे इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। इससे हमारी मिठाई में एक अच्छा सा फ्लेवर और कलर आ जाएगा। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दूध लिया है, पहले का उबला हुआ दूध है, अभी रूम टेम्परेचर पे है। दूध हमें ना ठंडा लेना है ना ही गर्म, नॉर्मल दूध लेना है। और चम्मच से दूध को हमें डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक हल्का नरम आटा लगा के हमें तैयार करना है। एक साथ दूध ना डालें नहीं तो ये गीला हो जाएगा। चम्मच से थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे, जितना हमें ज़रूरत है। तो इसका एक हल्का नरम आटा लगा कर हमने तैयार कर लिया है। इस आटे को लगाने में करीब 4 चम्मच दूध लगा है और इस तरीके का एक हल्का नरम आटा लगाकर तैयार कर लिया है हमने। इसी तरीके का आटा लगा के आपको तैयार करना है। मिठाई को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे लिया है, आप घर की कोई प्लेट या टिफ़िन बॉक्स भी ले सकते हैं। इसे हम घी या ऑयल से इस तरह से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। बिस्किट वाले डो को हम इस तरह से हाथों से दबाते हुए फैला लेंगे। आपको मिठाई जितनी मोटी पतली चाहिए उसी के हिसाब से आप इसे फैला लीजिएगा। और एक चम्मच या स्पैचुला से हम इसे चिकना कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। एक जार लिया है, इसमें हम 1/3 कप बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाला है, जिसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, सिर्फ बादाम या सिर्फ काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप नारियल का बुरादा डाल रहे हैं। थोड़ा सा इलायची को हमने क्रश करके डाल दिया है। 2 बड़े चम्मच चीनी डाल रहे हैं। थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल रहे हैं। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिठाई को सिंपल भी रख सकते हैं या अपने पसंद का दूसरा कलर भी आप डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच के करीब दूध डाल देते हैं। अभी हम थोड़ा सा ही दूध डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और दूध ऐड कर लेंगे। मेरा छोटा वाला जार ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने इस जार का इस्तेमाल किया है। आप छोटे वाले जार का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हम चटनी पीसते हैं उससे ही बहुत अच्छे से पीस जाएंगे। अब सभी चीज़ों को हमें पीसना है, तो हमें एक मिक्सी को पल्स मोड में यानी मिक्सी को रोक रोक के चलाते हुए इसे पीसना है। और ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। ये बंधा बंधा जैसा हो गया है, लेकिन अभी मुझे ये थोड़ा सूखा लग रहा है। तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच के करीब दूध डाल देते हैं और इसे हम वापस पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। इस तरह का गाढ़ा और स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को हम बिस्किट वाला लेयर के ऊपर अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और किसी स्पैचुला या चम्मच से इसे हम इस तरह से थोड़ा दबाते हुए चिकना कर लेंगे। अब इसे हम 1 से 2 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 1 से 2 घंटा हो गए हैं, मिठाई हमारी सेट हो गई है। तो इसके किनारों को हम इस तरह से काट कर एक साथ कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चांदी का वर्क लिया है, इसे हम लगा देते हैं। इसे लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे लगाने से इसका जो मिठाई का लुक है बाहर वाले जैसे मिठाई की आ जाता है। सिल्वर वर्क लगाना मुझे बहुत कठिन काम लगता है, क्योंकि ये हाथों में बहुत चिपकते हैं।
और लीजिए किसी तरह हमने इसे लगा दिया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो मैं इसे चौकोर पीस में काट रही हूँ, आप अपने मन चाहे किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। एक टुकड़ा मैं आपको उठा के दिखाती हूँ और ये देखिए इसका लुक, इसका टेक्सचर तोड़ के दिखाती हूँ। कितने आराम से ये टूट रहा है, एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। एक पीस मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी डबल लेयर की मिठाई बनकर तैयार है, वो भी कितनी आसानी से बिना गैस जलाए। अब मैं इसे इस तरह से बीच से काट देती हूँ। इस तरह से ये तिकोना का शेप में बन गया है। इसमें एक आधा कटा हुआ मैं बादाम लगा दे रही हूँ और इसके लुक को देखकर कोई कहेगा कि आपने इसे बिना गैस जलाए इतने आसानी से बना के तैयार किया, लग रहा है ना हलवाइयों जैसे महंगी मिठाई। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।